हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ कोकोनट खीर की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वे लोग बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो देखने को मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। एक फ्रेश नारियल लिया है, नारियल को अच्छी तरह पील कर दिया है, छिलका है उसको उतार दिया है और छोटे छोटे स्लाइस कर दिए। अब इसको मिक्सी के अंदर पीसेंगे। नारियल आप चाहो तो ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हो। नारियल को मिक्सी के अंदर पीस लिया है, अब बाउल के अंदर निकाल देंगे। इस मेजरमेंट कप से 3 कप दूध लिया है। दूध को अब एक बार अच्छी तरह उबाल आने देंगे। दूध का अब उबाल आ गया है और गैस को धीमी करके 2-3 मिनट के लिए दूध को बॉईल करेंगे। इसमें कोकोनट ऐड करेंगे और बीच बीच में मिलाते रहना है और 5 से 6 मिनट के लिए बॉईल करेंगे यानी कुक करते रहेंगे और बीच बीच में स्पैचुला हिलाते रहना है। अब इसमें थोड़े किशमिश और थोड़े कटे हुए काजू ऐड करेंगे और मिक्स करके बीच बीच में हिलाते रहना है और जो साइड की जो मलाई है उसको उतारते रहना है। तो करीब 8 से 10 मिनट के लिए पकाना है। अब हमारी खीर धीरे धीरे गाढ़ी होने जा रही है तो इसके अंदर 2 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर आप चीनी चाहो तो कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कर सकते हो, यानी कम ज़्यादा आप कर सकते हो। अब इसको 1-2 मिनट और पकाएंगे। चीनी अच्छी तरह घुल गई है। अब इसमें 8 से 10 केसर भिगोई हुई दूध के अंदर ऐड करके 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। खीर के अंदर केसर अच्छी तरह मिक्स हो गया, बहुत बढ़िया कलर आ गया है। अब गैस स्विच ऑफ कर देंगे और हमारी खीर रेडी है। आप खीर गर्म भी सर्व कर सकते हो और ठंडी भी सर्व कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कॉमेंट्स प्लीज़ राइट डाउन इन कॉमेंट्स बॉक्स।